हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पर स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक ये है कि जैसे आपका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है या फिर कोई दूसरा है, तो आपको कोडिंग करना चाहिए। मतलब ये कि आपको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेजेस या फिर और कंप्यूटर साइंस पे वर्क करना चाहिए ताकि कंप्यूटर साइंस की कंपनी में प्लेसमेंट लग जाए, या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक यही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस वीडियो को कौन कौन से लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा हो, या फिर वो सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, इवन वो फोर्थ ईयर में हो, तो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के बेसिस पे आप थोड़ा सा अपने फ्यूचर को डिसाइड करने में सक्षम होंगे, थोड़ा सा मतलब आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे इसके बेसिस पे। तो देखिए, जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि यदि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और या फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, या फिर मैं किसी दूसरे स्ट्रीम से, दूसरे डिपार्टमेंट से अपना बीटेक कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इस चीज़ को करना चाहिए, कोडिंग करना चाहिए, कई सारे लैंग्वेजेस सीखना चाहिए, जैसे सी हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, और भी दूसरे लैंग्वेज जो होते हैं उनको सीखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सीखना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बाउंड्री है। बाउंड्री ये है, जैसे जिन्होंने सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इस पर्पज से चूज किया है कि नहीं भाई, हमें जो है वर्क करना इसी में है, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तो वो इधर मतलब नहीं आ सकते हैं, थोड़ा सा मतलब छोड़ दें, लेकिन फिर भी इनके लिए भी मैं बात करूंगा क्यों इनको भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज के टाइम पे जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, सिचुएशन ये देख पा रहे होंगे आप अपने सीनियर्स को, या फिर जो आने वाले हैं जिनका फोर्थ ईयर है, चल रहा है, वो लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल के जो भी छात्र स्टूडेंट हैं उनका प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। और लग भी रहा है तो कंपैरिजन यदि कर दें हम उसका कंप्यूटर साइंस से, तो पैकेज कम लग रहा है। और यदि एवरेज देखा जाए तो 40-50% जो कोर ब्रांच के स्टूडेंट हैं, जो कोर डिपार्टमेंट है लाइक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इनके 40-50% ही प्लेस्ड होते हैं, बाकी आप प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं। और इनका सबसे बड़ा रीज़न है कि कैंपस में कोर कंपनियों का विजिट कम करना, कोर कंपनियां विजिट कम करती हैं। तो इसके लिए सर क्या करें हम? तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। यदि आप जैसे प्लानिंग किए हों कि नहीं हम गेट लिखेंगे या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखेंगे या फिर सरकारी नौकरी लेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लेना भी चाहिए, आपको लिखना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यदि आप अपनी जॉब को इंश्योर कर लें, ठीक, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएं, आप अपने हाथ पैरों पे खड़े हो जाएं जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको ये लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और आपको कोडिंग करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक चीज़ और जान रहे हैं, गेट जो एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत सारे लोग डालते हैं और सक्सेस बहुत कम लोग होते हैं। जैसे इस बार का सिविल में आई थिंक 17,000 लोग क्वालिफाइड हुए थे। तो क्वालिफाइड होने से कोई मतलब नहीं है, इसमें भी आपकी रैंक आनी चाहिए और अच्छी खासी रैंक आनी चाहिए, ठीक। 500 तक आती है तो आपको शायद PSU कॉल कर दे, PSU नहीं कॉल करेगा तो मान लीजिए आपको IIT से तो कॉल आ जाएगी, NIT से, तो आपको MTech के लिए कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा के लोग जो प्रिपरेशन में लग जाते हैं, यदि इनके पास, तो फिर वही होता है कि पेरेंट्स से पैसा लेना होता है। तो यदि आप लोग फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से साथ ही साथ पैरेलल एक दो लैंग्वेजेस को सीखना स्टार्ट कर देंगे, तो अंततः होगा ये कि
कि आप फाइनल ईयर में जाते जाते आप किसी न किसी कंपनी में प्लेस हो जाएंगे, भले ही कंपनी हो नानकोर हो, भले ही कंपनी हो सीएस की हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो एम था कि भाई हम गेट क्रैक करके इसरो ज्वाइन करेंगे, बार्क ज्वाइन करेंगे, वैसे इसरो तो अपना खुद का एग्जाम लेता है, बार्क ज्वाइन करेंगे या फिर HAL में जाएंगे या फिर किसी PSU को ज्वाइन करेंगे, या फिर यह सब छोड़ के मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज दूंगा, मैं IAS बनूंगा या फिर JEE बनेंगे या फिर AE बनेंगे, सब कुछ अच्छी है। लेकिन चार साल के जो करियर है आपका, जो चार साल का बीटेक चल रहा है, इस बीटेक के दौरान यदि आप तीन चार सब्जेक्ट, तीन चार लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, तो एक कहावत है कि सोने पे सुहागा होना, ये आपके साथ हो जाएगा। तो यदि आप मेरा मानना चाहें, जैसे मैं यदि ये डिसीजन लेता, ठीक, यदि आपके टाइम पे होता, जैसे मेरा फर्स्ट ईयर होता, सेकेंड ईयर होता, तो मेरा डिसीजन यही होता कि जो, जैसे कि आप सभी लोग AKTU वाले हैं, हमने भी AKTU से ही पढ़ाई की है, तो AKTU में क्या है कि आपकी प्रोग्रामिंग की पहले ही साल में एक सब्जेक्ट मिल जाती है, बाद में अब हम देख रहे हैं कि पाइथन भी ऐड हो गया है शायद सेकेंड ईयर में, और सारी भी इलेक्टिव सब्जेक्ट में लैंग्वेजेस ऐड हो रही हैं कंप्यूटर साइंस की। तो आप लोग, जैसे होता क्या है कि सिविल मैकेनिकल वाला बोलता है कि भाई हम क्यों ही पढ़े, हम CS का क्यों ही पढ़े, तो नहीं, आपको पढ़ लेना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन कर पाएँ मार्केट में, और मार्केट में आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। इस चीज़ों को आप जितनी जल्द से जल्द समझ जाएँ उतना अच्छा से अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा हैं, जॉब बहुत कम हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। और देखिए, दूसरा प्लस पॉइंट आपके लिए ये होगा, यदि आप कोडिंग कर रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर साइंस के जो भी लैंग्वेज हैं उनका नॉलेज है, तो होता क्या है कि फाइनल ईयर में जब आप आएंगे, तो पहली बात तो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाएगा। यदि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो होता क्या है कि आप ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, और ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट में इन्फोसिस हो गई आपकी, L&T हो गई, L&T जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, और L&T तो GET पे रखती है, और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 6 लाख पर एनम, 6 लाख के आसपास का इसका CTC होता है, और साथ ही साथ आपको TCS आ जाएगी, TCS में आप जा सकते हैं। तो यदि आपके पास सफिशियंट नॉलेज है, तो आप जॉब को आसानी से पा सकते हैं, और यदि आप अपने ही ब्रांच में सैचुरेट होकर रह जाते हैं, तो अपने ब्रांच की जॉब खोजने में आपको बहुत ही कठिनाई होगी। ऐसी बात नहीं है कि आपको अपने ब्रांच की जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट मारना होगा। और दूसरी बात, आपके ब्रांच वाले भी आपको प्रेफरेंस दे देंगे, जैसे जो आपकी कंपनियां हैं, जैसे आप सिविल के हैं तो सिविल की जो भी कंपनियां हैं, यदि आप अपने रिज्यूमे में दिखाएंगे कि हमने सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ ये सब हमारे पास भी नॉलेज है, तो मतलब ये होगा कि आप जब बीटेक कर रहे थे उस टाइम पे आप कुछ लोगों से अच्छे थे, तभी इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए चले, तो प्रेफरेंस आपको वहाँ भी मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपका गोल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जॉब लग जाए, जॉब मिल जाए फाइनल ईयर आते आते। तो फाइनल ईयर आते आते जॉब लेने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे, कुछ कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और सारे बहुत कुछ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए सफिशियंट, जिस आप डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। एक रात वाली नॉलेज नहीं चल पाएगी, एक रात की नॉलेज पे आपको प्लेसमेंट बहुत ही कम मिलेगा, जिस पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो ये सभी बातें होती हैं। बाकी यदि दोस्तों आपको लग रहा हो कि हम लोग प्लेसमेंट से लेकर के इस स्टॉक को आगे कंटिन्यू करें, या फिर प्लेसमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे क्या होता है, यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो हम लोग प्लेसमेंट सीरीज लेकर के आएंगे, कैसे प्लेसमेंट पाएं ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों। और दोस्तों यदि आप लोग गेट लिख रहे हों तो भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर दोनों लिख सकता है, और जो लोग पास हो चुके हैं वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उनका तो उद्देश्य ही यही है। तो अब हम लोग भी अपने चैनल पे गेट के PYQ
कराना स्टार्ट कर चुके हैं और गेट के हो गए इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो आप हम लोगों के PYQ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को हम लोगों के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियो को लाइक करते हुए अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे तरीके से जिए, इन्जॉय करें, हैप्पी रहें। बाय बाय।